एक जंगल में बहुत ही बड़ा और विशाल काय शेर रहता था। वह हर दिन शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपनी भूख को शांत करता। एक दिन में शेर कई जानवरों को मार देता और उनका भक्षण करता। दिन प्रतिदिन जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। डरे हुए जानवर इस परेशानी से बचने के लिए एक सभा बुलाई। सभी जानवर मिलकर एक निर्णय लिया कि शेर से मिलकर इस समस्या पर शेर से बात करनी चाहिए। अगले दिन सभी जानवर मिलकर शेर से मिलने पहुंचे। विशाल काय शेर जब इतने जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया और वह गुफा से बाहर निकला। सभी जानवरों से गरज कर पूछा, यहाँ सभी जानवर मिलकर क्यों आए हो? आखिर क्या बात है? सभी जानवरों में से एक लोमड़ी आगे आकर डरते हुए शेर से बोली, महाराज आप तो इस जंगल के राजा हैं, हम सभी जानवर आपकी प्रजा हैं। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। शेर गरज कर पूछा, कैसी विनती करने आए हो? लोमड़ी बोली, महाराज आप हर दिन शिकार पर निकलते हैं और ढेर सारे जानवरों को मार देते हैं और उन सभी जानवरों को खा भी नहीं पाते। हम सभी जानवरों का विचार है कि आपकी भूख मिटाने के लिए हर दिन एक जानवर आपके पास भेज दिया जाएगा, जिससे आपको जंगल में भी नहीं जाना पड़ेगा और आपकी भूख भी मिट जाएगी और हम लोग भी भय मुक्त रहेंगे। अब शेर को बगैर परिश्रम किए शिकार मिल रहा था, इसीलिए उसने यह विनती स्वीकार कर लिया और चेतावनी भी दिया, जिस दिन हमारे पास कोई भी जानवर नहीं पहुंचा, उस दिन मैं सब जानवरों को मार डालूंगा। और उस दिन के बाद से एक एक जानवर शेर के पास जाने लगे। अब शेर को भी आराम से शिकार खाने को मिलने लगा और शेर गुफा में पड़े पड़े आराम करता रहता और बाकी जानवर जंगल में सुकून से रहने लगे। और एक दिन शेर के पास जाने के लिए एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा, परंतु मृत्यु निकट होने के कारण से वह भयभीत था। वह बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था और साथ ही किसी तरह अपनी जान बचाने के बारे में सोचता जा रहा था। रास्ते में जाते समय खरगोश को एक कुआं दिखा। खरगोश कुएं के पास जाकर उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी समय खरगोश को अपनी जान बचाने का उपाय सूझा और खरगोश को नया जोश आ गया। अब खरगोश शेर के पास जाने की जल्दबाजी नहीं थी और वह कुएं के पास आराम करने लगा और कुछ देर बाद खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर को समय से भोजन न मिलने की वजह से क्रोध में लाल पीला हो रहा था और उसने जैसे ही एक छोटा सा पिद्दी भर खरगोश को देखा, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। शेर गरज कर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था और तू अब आ रहा है? अब मेरी भूख और बढ़ गई है, तेरे अकेले से मेरा क्या होगा? पिद्दी खरगोश, किस बेवकूफ ने तुझे मेरे पास भेजा है? तुझे खाने के बाद मैं उसे भी मार कर खा जाऊंगा। खरगोश गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए,
इसमें न मेरा दोष है और न ही मुझे भेजने वाले का दोष है। हम तो 5 खरगोश आपके पास आने के लिए निकले थे, परंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम लोग अपने राजा के भोजन बनने जा रहे हैं, तो वह 4 खरगोश को मार कर खा गया और मुझे आपके पास यह बताने के लिए भेजा कि अब से वह जंगल का राजा है। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, ऐसा कहा उसने, अब उसकी खैर नहीं। फिर खरगोश ने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ महाराज, उसने आपको लड़ने के लिए ललकारा है और उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल का एक राजा बनेगा और राज करेगा। यह सुनते ही शेर गरज कर बोला, मुझे अभी इसी समय उसके पास ले चल, मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है, अब उसे नहीं छोड़ूंगा। खरगोश तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास पहुंचा। कुएं को दिखाते हुए खरगोश बोला, महाराज यह उस दुष्ट का दुर्ग है, वह इसी दुर्ग में रहता है, आप उसे दुर्ग के द्वार से ललकारिए। शेर कुएं में झांक कर देखा, उसे उसकी परछाई दिखी। परछाई देखकर उसने सोचा कि यह वही दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए ललकारने लगा। कुएं की दीवार से टकरा कर आती हुई अपनी ही दहाड़ने की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराकर वह पानी में गिरा और डूबकर मर गया। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी जंगल वापस लौटा और जंगल के सभी जानवरों को खुशखबरी सुनाई। खरगोश की बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए और सबने खरगोश के बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है, इसीलिए मुश्किल समय में सदा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।